सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। क्रांतिकारी जो अपने मकसद में यदि कामयाब हो जाता तो हमारा देश 1915 में ही आजाद हो जाता। हम बात कर रहे हैं बागा जतिन की, आइए जानते हैं इनकी कहानी। नमस्कार दर्शकों, तीरंदाज हिस्ट्री में आपका स्वागत है, मैं हूं सुरभि वर्मा। बागा जतिन का असली नाम जतेंद्रनाथ मुखर्जी था। दरअसल 27 वर्ष की उम्र में उनका सामना एक बाघ से हुआ जिसे उन्होंने हसीये से मार गिराया, तब से उनका नाम बागा जतिन पड़ गया। जतेंद्रनाथ मुखर्जी के साहस का पता इसी बात से चल जाता है कि जिस दौर में लोग अंग्रेज़ों से डर कर घर में सहम कर रहते थे, वहीं जतेंद्रनाथ अकेले ही अंग्रेज़ों को जहां देखते थे पीट देते थे। एक बार तो एक रेलवे स्टेशन पर जतेंद्रनाथ ने अकेले ही 8-8 अंग्रेज़ों को पीट दिया था। इसी बीच फोर्ट विलियम में तैनात जाट रेजिमेंट को भड़काने के आरोप में जतिंदा को गिरफ्तार कर लिया गया। ये इसलिए और भी अहम हो जाता है क्योंकि उन दिनों फोर्ट विलियम से ही देश की सरकार चलती थी। उस वक्त कोलकाता अंग्रेजों की राजधानी थी। अंग्रेज सरकार बागा जतिन, अरविंदो घोष, राज बिहारी बोस जैसे कई बंगाली क्रांतिकारियों से तंग आ गई थी। 1912 में अगर अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली बनाई तो इसकी बड़ी वजह ये क्रांतिकारी थे। उनमें संभवतः सबसे बड़ा नाम बागा जतिन का था। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए जतिन ने भारत में एक नया तरीका ईजाद किया जिसे अंग्रेजी इतिहासकारों ने बैंक रॉबरी ऑन ऑटोमोबाइल्स टैक्सी कैब्स लिखा है। सोहन सिंह भाकना की गदर पार्टी ने अमेरिका और कनाडा के सिख क्रांतिकारियों को लेकर गदर पार्टी शुरू की और भारत में इसकी कमान युगांतर पार्टी के नेता बागा जतिन के हवाले थी। अब तैयार हुआ जर्मन प्लॉट, जर्मनी के हथियार लेके आने थे और पैसा चुकाने के लिए जतिन के साथियों ने कई जगह डकैतियां डाली। सुभाष चंद्र बोस से पहले राज बिहारी ने जतिन में ही असली नेता पाया था। बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंगापुर जैसे कई ठिकानों में 1857 जैसे सिपाही विद्रोह की योजना बनाई गई। फरवरी 1915 की अलग अलग तारीखें तय की गई। पंजाब में 23वें कैवलरी सैनिकों ने अपने ऑफिसर्स को मार डाला। रेजिमेंट में एक विद्रोही सैनिक के भाई कृपाल सिंह ने गद्दारी कर दी और विद्रोह की सारी योजना सरकार तक पहुंचा दी। सारी मेहनत एक गद्दार के चलते मिट्टी में मिल गई। लेकिन बागा जतिन अभी तक अंडरग्राउंड रहकर क्रांतिकारियों के बीच एक्टिव थे। जतिन ने नरेंद्र भट्टाचार्य यानी M.N. रॉय को जर्मनी के अधिकारियों के पास हथियारों की बातचीत के लिए भेजा। उनको बताया गया कि हथियारों की खेप निकल चुकी है, लेकिन एक चेक जासूस इमैनुअल विक्टर वोस का, जो डबल एजेंट भी था, अमेरिका के लिए भी काम करता था, उसको इस बात की भनक लग गई और उसने सारा खेल खराब कर दिया। 9 सितंबर 1915 को पुलिस ने जतेंद्रनाथ का गुप्त अड्डा कालीपोक्ष ढूंढ निकाला। अंग्रेजों ने जतेंद्रनाथ का शरीर गोलियों से छल्ली कर दिया। वह जमीन पर गिरकर पानी पानी चिल्ला रहे थे। इसके अगले दिन भारत की आज़ादी के इस महान सिपाही ने अस्पताल में सदा के लिए अपने आंखें मूंद ली। तीरंदाज इनकी पुण्यतिथि पर इन्हें सादर नमन करता है। ऐसे ही आपके काम की, ज्ञान की और रोचक खबरों के लिए तीरंदाज.com से जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल तीरंदाज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज तीरंदाज को फॉलो कीजिए। इन सभी के लिंक्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।